इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिजनौर के हुरनंगला गांव में, जहां पर धर्मपाल सिंह सैनी को भाजपा सरकार ने प्रदेश का महामंत्री पद से नवाजा है। और इसी धर्मपाल सिंह के परिवार से हम मिलते हैं, उनके बड़े भाई हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है आज उन्हें इतने बड़े पद से जो है सौंपा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खजान सिंह है जी। आज आपके भाई को जो है धर्मपाल जी को बड़ा पद दिया है, यानी कि संगठन मंत्री बनाया है, कैसा महसूस? हमें बहुत खुशी की बात है कि हमारे भाई ने जो करा वो बहुत मेहनत के साथ करा, जो कि उनका मेहनत का फल उन्हें मिल गया। कितने भाई हैं आप? हम चार भाई हैं। कितनी बहनें हैं? बहन दो हैं। अच्छा, एजुकेशन की अगर बात करें तो कहाँ पर उन्होंने जो है प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है? प्राइमरी स्कूल भोरापुर से। अच्छा, और फिर इंटर हाई स्कूल और इंटर करा हिंदी इंटर कॉलेज ने गिना है। उसके बाद में उन्होंने पॉलिटेक्निक करी, प्रथम वर्ष तो आजमगढ़ से करी, और आजमगढ़ के बाद में फिर बिजनौर रहे, उसके बाद में वे देहरादून चले गए थे संघ में, और फिर वे घर तो बस साल दो साल में आते हैं, नहीं तो नहीं आते। क्या चाहते हैं आपका भाई, क्या काम करे ऐसा जो? हम यही चाहें बस कि उनका नाम रहे परिवार और देश में उनका यही रहे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने हमारा नाम भी ऊँचा करा, जो कि आज आप लोग भी हमसे मिल रहे हैं। उनकी माता जी भी हैं, उनसे भी जानेंगे आज आप उनको कैसा महसूस हो रहा है। आपका लाल, आपका बेटा जो है बड़े पद से नवाजा है भाजपा सरकार ने जी। तो आपके बेटे से बात हुई आज? तो बात नहीं, कब हुई थी बात? आपने बात आपको बताया? कैसे पता चला कि आज जो है यूपी सरकार ने जो है ये हैं इनके परिवार वाले, जिनका साफ तौर से कहना है कि आज इनके घर में बड़ी खुशी की लहर दौड़ी हुई है और सारे के सारे खुश हैं, चाहते हैं कि समाज में रहकर कहीं ये देश की सेवा करें। कैमरा पर्सन रोहित के साथ सरफराज खान, एबीपी गंगा, बिजनौर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।